नवा रायपुर के मंत्रालय और पीएचक्यू में मंगलवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने गोली चला दी। आरक्षक राकेश यादव ने सुबह 6-7 बजे करीब 7-8 राउंड फायर कर दिया। हालांकि सुरक्षाकर्मी की ओर से किए गए फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल गोली चलाने का कारण अज्ञात है। फायरिंग करने वाले आरक्षक का नाम राकेश यादव है, जो की 14वीं बटालियन में पदस्थ है। बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी पीएचक्यू मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात है। ये मामला राखी थाना इलाके का है। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक जवान द्वारा गोली चलाने की जानकारी सामने आई है। संबंधित बटालियन के अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। हालांकि जांच में जो बात सामने आएगी उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक घटना भी हम लोग के सामने आई है, उसमें एक कहीं जवान द्वारा गोली चलाई गई है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। घटना की जांच जो है संबंधित बटालियन के लोग कर रहे हैं, उसमें जो भी फैक्ट आएगा उसके हिसाब से। किसी के हताहत होने की खबर या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कोई एक्सीडेंटल फायर की सूचना है जिसको हम लोग देख रहे हैं।